ओम श्री गणेशाय नमः। आयुर्वेद से ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। कामिका एकादशी महात्मा। भक्तों, आज हम कामिका एकादशी के महत्व को समझने वाले कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मैंने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवसैनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसकी विधि क्या है? इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है? श्री कृष्ण भगवान बोले कि राजन, इस एकादशी की कथा मैं कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित में नारद जी से कही थी। एक समय नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप एकादशी की व्रत कथा विधि के सहित सुनाइए। भीष्म पितामह नारद के वचनों को सुनकर बोले कि हे नारद जी, आपने मुझसे अत्यंत ही सुंदर प्रश्न किया है, आप ध्यान लगाकर सुनिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। कामिका एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिल जाता है। कामिका एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा होती है, जिन्हें श्रीहरि, श्रीधर, माधव, मधुसूदन नाम से भी पुकारा जाता है। उनकी पूजा करने से जो फल प्राप्त होते हैं उसका विवरण अब मैं कहता हूँ। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान, पुष्कर जैसे पवित्र नदियों में स्नान के फल से भी बड़ा फल मिलता है। सूर्य और चंद्र ग्रहण में एवं केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। श्री विष्णु भगवान के पूजन का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने और सिंह राशि को गोदावरी नदी में स्नान करने के फल से भी अधिक फल होता है। व्यतिपाद योग में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है उससे अधिक फल भगवान की पूजा करने से प्राप्त होता है। भगवान की पूजा का फल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर होता है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा ना बन सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल मिलता है वही फल कामिका एकादशी के व्रत से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण मास के कृष्ण पक्षी कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तथा श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उससे समस्त देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पापों से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस व्रत को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे छूटने के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नाश करने वाला कोई उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत के करने से मनुष्य अंतिम समय में अनेक दुखों से युक्त यमराज और नरक के दर्शन नहीं करता है। कामिका एकादशी के व्रत तथा रात्रि के जागरण से मनुष्य को कुयोनि नहीं मिलती है और अंत में स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी को तुलसी से भक्ति पूर्वक श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं वे इस संसार में रहते हुए भी इस संसार से अलग रहते हैं। जिस तरह कमल पुष्प जल में रहते हुए भी जल से अलग रहते हैं, भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल एक भार स्वर्ण एवं चार भार
चांदी के दान के फल के बराबर है। श्री विष्णु भगवान रत्न मोती मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु की तुलसी दल से पूजा करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अत्यंत प्रिय श्री तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी के दल से स्नान करने से मनुष्य की सब यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के चरणों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस कामिका एकादशी को रात्रि जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं उनके पितृ स्वर्ग लोक में सुधा का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तिल के तेल का दीपक लगाते हैं उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके करने से ब्रह्म हत्या ब्राह्मण हत्या आदि के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महत्व के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को जाते हैं। जय हो कामिका एकादशी की, जय हो विष्णु भगवान की जय हो। इस कामिका एकादशी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसका प्रायश्चित करते हुए कामिका एकादशी का व्रत करें और वह गलती फिर से नहीं दोहराने का वचन श्री हरि विष्णु को देते हैं तो आपके साथ आगे सब अच्छा होगा। आपकी पुरानी दुर्भाग्य की लकीरें धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी और सौभाग्य की नई लकीरें बनते हुए नया सूर्योदय होने लगेगा। दूसरा, जब आप उक्त कामिका एकादशी का उपाय करके श्री हरि विष्णु को वचन देते हुए सतमार्ग पर चलते हैं तो आपके अंदर एक विश्वास का जन्म होता है। उस विश्वास को कायम रखें कि अब आपका अच्छा होगा, आपकी उन्नति होगी तो अवश्य आपकी उन्नति होगी और आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी, क्योंकि विश्वास फलदायकम। आज आप जो हैं वो आपके विश्वास का ही प्रतिफल है। आगे जो भी आप बनोगे वह आपके विश्वास का ही फल होगा। तीसरा, उक्त एकादशी कथा अमृत में से एक उपाय भी आपने इस चतुर्मास में कर लिया और उस पर पूर्ण विश्वास कायम कर लिया तो इस चतुर्मास में ही आपको चमत्कार देखने को मिल जाएगा। चौथा, क्योंकि इस विश्व ऐश्वर्य के मालिक तो अपने अंश को पूर्ण ऐश्वर्य ही देना चाहते हैं, अपने अंश को पूर्ण बनाना ही चाहते हैं, पूर्ण मेवा वशिष्यते, लेकिन मांगने लेने वाले में ही कमी है। अतः अपने अंदर वो पाने की सिद्धत लाओ, ऊर्जा जगाओ कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, बता तुझे चाहिए क्या है, क्योंकि ओम पूर्णवदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी अवश्य कमेंट करें। इससे या अन्य धर्म और ज्योतिष संबंधी कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें या मेल करें, आपको उत्तर अवश्य मिलेगा। मैं अब इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने लाता रहूंगा जो आपको जीवन मृत्यु मोक्ष धर्म पवित्र बेसर्त प्रेम संस्कार आदि के बारे में प्रेरित करते रहेंगी। अतः इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें ताकि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपके प्रियजनों को भी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।